Hello friends, namaste. Today I will going to show you how to hold the cone and how to use the cone. So सबसे पहले हम मेहंदी के कोन को थोड़ा सा काट लेंगे. जरूरी नहीं है कि हर कोन को काटना पड़े. कई कोन में आगे नीब लगी हुई होती है और कई कोन आगे से बंद होते हैं. सो कोन को काटते समय ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आगे से हल्का सा पॉइंट काटना है, ज़्यादा नहीं काटना है. और ये भी ध्यान रखिए कि क्रॉस नहीं होना चाहिए. जब आप कटिंग करते हो तो कोन को सीधा पकड़िए, क्रॉस मत पकड़िए. क्रॉस अगर पकड़ेंगे तो मेहंदी कोन का जो पॉइंट है वो क्रॉस हो जाएगा और मेहंदी अच्छे से नहीं निकलेगी. और अब आप जब ड्रॉ करोगे तब फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आएगा. अब देखते हैं मेहंदी कोन कौन सा यूज़ करना है. तो अभी हर जगह पे मेहंदी कोन अवेलेबल है, बट जो मेहंदी की ट्यूब आती है वो हमें यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो एक तरह का केमिकल होता है. हमें ध्यान रखना है कि हमेशा नेचुरल मेहंदी ही यूज़ करनी है. तो आप कोई भी अच्छा सा कोन यूज़ कर सकते हो, और उसमें ये ध्यान रखना है कि मेहंदी का कोन फ्रेश होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए. अब देखते हैं कोन को कैसे पकड़ते हैं. हर एक का कोन का पकड़ने का तरीका अलग अलग होता है. जैसे कुछ लोग कोन को ऊपर से पकड़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग कोन को नीचे से पकड़ते हैं. सम पीपल होल्ड द कोन फ्रॉम अप साइड एंड सम पीपल होल्ड द कोन फ्रॉम डाउन साइड. मैं हमेशा कोन को नीचे से ही पकड़ना पसंद करती हूँ और बेसिकली छोटा कोन यूज़ करती हूँ, क्योंकि छोटा कोन यूज़ करने से हमारे थंब पे प्रेशर कम आता है. बड़ा कोन यूज़ करने से कभी कभी हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है. अब प्रेशर कितना देना है मेहंदी ड्रॉ करते समय आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में प्रेशर कम देना है. जब आप स्टार्ट करते हो तो हल्का सा प्रेशर देके लाइन को खींच लो. लाइन खींचते समय प्रेशर देते जाइए और ड्रॉ करते जाइए. कोई भी शेप लीजिए, उसमें से पहले आपको प्रेशर कम देना है, फिर प्रेशर देते हुए शेप ड्रॉ करना है. हाँ, फिर अंदर फिलअप करते समय प्रेशर ज़्यादा दीजिए और मेहंदी को स्प्रेड कर दीजिए. फिर जब आप डबल लाइन लेते हो तो ध्यान रखिए कि डबल लाइन इक्वल पैरेलल जानी चाहिए. ऐसा ना हो कि आगे से मोटा और पीछे से छोटा होता गया, जैसे इसमें थोड़ा सा हो गया है. दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए. अब मेहंदी प्रैक्टिस के लिए हमें हैंड कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी. तो मैं हैंड कटिंग के लिए मैं हमेशा एक्सरे यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक होता है और ये कभी भी फटता नहीं है, लॉन्ग लाइफ है. सो इसके लिए आप एक्सरे लीजिए और उसके ऊपर अपना हाथ रख के ड्रॉ कर लीजिए अपना हैंड का शेप और फिर कटिंग कर लीजिए. तो ये हो गया आपका हैंड कटिंग रेडी. जैसे मैंने हैंड का कटिंग किया है उसी तरह आप लेग का भी कटिंग कर सकते हो. मैंने दो तरह के कटिंग रेडी रखे हैं, जिसमें एक में सिर्फ थंब दिखाया गया है और एक फिंगर के साथ है. अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो लेग अपना खुद का लेग रख के तो कटिंग नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए आप कोई भी मेहंदी डिज़ाइन की बुक ले लीजिए जिसमें लेग की डिज़ाइन दी हुई है. उसमें से देख के आप एक्सरे पे लेग की डिज़ाइन ड्रॉ कर दीजिए, सॉरी लेग की बॉर्डर ड्रॉ कर दीजिए और लेग का कटिंग काट लीजिए. सो ये हो गया आपका हैंड और लेग का कटिंग रेडी. आपको अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो. सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, सी यू.